से साफ नहीं ना किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। पहले तो बाइक से ही करवाने जा रहा था, उसका ऑयल चेंज बस करवाना था। अभी बाइक के साथ गोश्त लेने जाना है। काफ़ी देर के घूम रहे हैं, बीफ किसी से भी नहीं मिल रहा, मुर्गी का तो मिल रहा। तो अब हम इधर आए हैं काफ़ी दूर, तो इधर से मिलेगा। रश काफ़ी ज़्यादा लगा, लगता सारी आवाम इधर ही आ गई। अब आएगी हमारी बारी। बीफ की काफ़ी ज़्यादा थी, पर जो अपना जानवर लाकर ज़िबा करते हैं ना, तो हमने तो उनसे गोश्त लेना था, तो इधर वो करते हैं। तो काफ़ी ढूंढ ढूंढ कर हम इधर आए हैं, काफ़ी देर पहले इधर लेने आए थे तो इसलिए पता। तो आज इधर से मिल गया नहीं, तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। जो मार्केट से गोश्त आता है ना, वो तो मिल रहा था आस पास की दुकानों से, पर वो भी ख़ास नहीं था। तो हम इधर से लेने आए हैं अब। क्या पारिया ने ना कैमल उधर देखा, तो वो अब देखी जा रही है। रश देखें काफ़ी ज़्यादा, गलियों में भी इतना ज़्यादा रश है। ये वाली बाइक अब अंदर, और ये वाली बाइक निकालते हैं। इसका ना इसका ऑयल चेंज करवाना है, और आज रश इसलिए ज़्यादा है और दुकानों पर इतना ज़्यादा रश है ना, सड़कों पर भी इतना ज़्यादा रश है। कल ईद होगी कि नहीं होगी मुझे खुद नहीं पता, पर मुझे नहीं पता तो मुफ्ती को भी नहीं पता, उसे पता नहीं कब पता चलेगा। वो हमेशा ही इस तरह कहता है कि मैं देख रहा हूँ। पहले उन्हें पता ही नहीं होता, वो सऊदीया के साथ ईद कर लेते हैं, एक रोज़ा छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या बनेगा। शॉप पर आ गए हैं तो भाई को कह दिया ऑयल चेंज करवाना, तो अभी काफ़ी ज़्यादा रश है इसलिए आ ही गया भाई। ऑयल चेंज की पहले बारी आ गई। क्यों, कितने का लिया? मैंने भी लेना है। मुझे तो गिफ्ट मिला से? कहीं से बस मिल गया यार गिफ्ट। आपने लेना कैमरा बेच दो रेडी। ऑयल चेंज करवा कर आए हैं, बाइक खड़ी करने लगे हैं, तो भाई की आवाज़ आ गई है। दूध लेकर आना है, दूध सोडा बनाने के लिए, तो अब वो लेने जाना। सामने वाले घर में भाग गई है फाड़ गया। 200 रुपए का दूध है, 200 रुपए का दूध, 200 रुपए कैमरा। दूध भी आ गया, गोश्त भी आ गया, और ऑयल चेंज भी करा दिया। अब घर वाले कोई काम ना और कह दें तो ऊपर चलते हैं। कल रोज़ा होगा कि नहीं होगा इसी की भाग दौड़ में। आज लोग चांद रहा समझ करना, कोई धोबी से कपड़े ला रहा है, कोई जूते पॉलिश करवा रहा है, कोई कुछ, कोई बोतलें लेकर आ रहा है। तो हम भी आज गोश्त लेने गए थे ना कल ईद समझ कर, तो रात को पता चल जाएगा मगरिब के बाद। पिछली बार तो ईशा के बाद पता चला था, उससे पिछली बार भी ईशा के बाद पता चला था, तो आज देखते हैं क्या पता कल ईद हो या ना हो। तारी का सामान ले आए हैं, तो अब वो घर वाले बना रहे हैं, तो तारी करते हैं उसके बाद देखेंगे। आज अफ्तारी में दही भल्ले, क्रीम चाट और दूध सोडा। मुझे नहीं लगता कि आज चांद नज़र आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं।
काफ़ी ढूंढा है मैंने, काफ़ी ढूंढा, चांद नज़र नहीं आया बादल और बिजली के अलावा, और अब आवाज़ भी आने लगी, बादल काफ़ी ज़्यादा गड़जड़े हैं। तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ईद भी देखनी है, कब भी हो, कल हो या परसों हो, मैंने ईद देखनी है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। चांद नज़र नहीं आया, परसों ईद होगी, सबको मुबारक हो, ईद का चांद नज़र आ गया। पहले तो मैं भी जाकर देखता रहा हूँ और काफ़ी लोग मुफ्ती साहब भी देखते रहे, तो चांद नज़र नहीं आया। तो अचानक से 12:15 बजे ऐलान हो गया कि चांद नज़र आ गया, वो भी मुझे बाहर से बस मैसेज आया था, तो पता चला नहीं, तो मैंने न्यूज़ पहले देख कर ना, बस मैंने समझा था परसों ईद होगी, काम से बाहर गया था तो आया हूँ। तो अब मैं व्लॉग एंड करता हूँ और व्लॉग एडिट कर जल्दी से इसे अपलोड करना है, तो वीडियो को एंड करते हैं। ये सी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।